अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वादर पाजल चौक में जी। आज ग्वादर में फोटोवॉक हो रहा है और हमारे साथ है अनीता जरीन और हमारे पश्चिमी के भी लोग आ रहे हैं। अनीता जरीन मेरे साथ है इस वक्त, तो अनीता जरीन ने मुझे बुलाया, अभी हम साथ में हैं। अभी और भी हमारे दोस्त हैं पश्चिमी के और खैरजान रेन भी हमारे साथ है, तो हम बाजार का भी विजिट करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तो आज हम मौजूद हैं मुल्ला फाजल चौक में। फरीद ग्वादरी मेरे साथ हैं, इलियास अल्लाबख्श मेरे साथ हैं, खैरजान हैं और हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं और ग्वादर के जो लोकल फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो हैं। बेसिकली हमने एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया पे काम किया, जो आइडिया था इलियास अल्लाबख्श का कि वो ग्वादर में फ़ोटो वॉक करवाना चाहते हैं। इसके लिए VOP ने उन्हें सपोर्ट किया, उनको थोड़ा सा ये कि अपने ऑडियंस को बताया जो ग्वादर की ऑडियंस थी कि यहाँ पर फ़ोटो वॉक हो रहा है, आप आके ज्वाइन करो। ग्वादर का पहला फ़ोटो वॉक है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इस फोटो वॉक में मैं शामिल हूँ। बेसिकली हमने 6 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, लड़के जो हैं शाही बाज़ार और मुल्ला फाजल चौक और एक और गली पीछे वहाँ पर जाके शूट करेंगे। तो थैंक यू फरीद, आप आए इस इवेंट को कवर करने में, हमारी हेल्प की। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस इवेंट को कवर करें, क्योंकि ग्वादर की पॉजिटिविटी पर काम कर रहे हैं हम, आप भी इसी पर काम कर रहे हैं, हम भी इसी पर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम एक लोगों को सही रास्ता दिखाएँ कि ग्वादर एक पॉजिटिव जगह है और यहाँ एक अमन पर अमन का सिटी है, आई गेस ऐसा कह सकते हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं इलियास अल्लाबख्श, मेरा नाम इलियास अल्लाबख्श है, मैं पसली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं तुर्बत में हूँ अभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैंने एक तुर्बत में फोटो वॉक प्लान की थी, तो उसमें ज़्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन ग्वादर में अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी, अनएक्सपेक्टेड लोग आए थे भैया, और देट वॉज फेव, अल्हम्दुलिल्लाह देट इज़ फेव। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने एक फ़ोटो प्लान की और उस पर इतना बड़ा रिस्पॉन्स आया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक्स अलॉट, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा बलोच है, मैं एज़ आ फोटोग्राफ़र और फिल्म मेकिंग हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक कंपटीशन चल रहा है फ़ोटो वॉक का, फ़ोटोग्राफ़र का, जो ग्वादर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है कि वॉइस ऑफ बलोचिस्तान का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमको मौका दिया। जी इस वक्त ये दोनों मेरे साथ हैं, ग्वादर के न्यू फोटोग्राफर हैं, एक अम्माद और अकरम मेरे साथ हैं दोनों। माशाल्लाह आज ग्वादर में तकरीबन 30 से ज़ायद फोटोग्राफर आए हैं, फ़ोटो वॉक में हिस्सा लिया है और फ़ोटो वॉक को कामयाब बनाने में हमारा साथ दे रहे हैं। भाई हमारा फ़ोटो वॉक तो कंप्लीट हो चुका है, अभी सारे दोस्त यहाँ पर हैं। ये मोहम्मद खरीम है, छोटा सा फोटोग्राफर है ग्वादर का। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ग्वादर को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करूँ और एक्सप्लोर बन जाऊँ मैं, जो लोग आकर देखें ग्वादर को, एक्सप्लोर करें हमारे तस्वीरों के ज़रिए। थैंक यू जी। अभी यहाँ पर फोटो वॉक कम्प्लीट हो चुका है, अभी सारे दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, फिर अभी जाना है हमें अफ्तारी पार्टी का भी इंतज़ाम किया गया, फिर जाएँगे अफ्तारी पार्टी में। अभी हम सारे पहुंच गए ग्वादर का न्यू पार्क में, यहाँ पर अभी मेरे पीछे सारे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये बैठे हुए हैं सारे फोटोग्राफर हैं, तो अभी कुछ देर बाद हम यहाँ पर अफ्तारी करेंगे सारे एक साथ। अच्छा, फ़ोटो वॉक ख़त्म होने के बाद फाइनली हम यहाँ इस पब्लिक पार्क में पहुँच गए, जहाँ पर हमने अफ्तारी अरेंज करवाई है इन फ़ोटो वॉकर्स के लिए जिन्होंने फ़ोटो वॉक में पार्टिसिपेशन की थी। इस फोटो वॉक का असल मकसद ये था कि यहाँ पे जो फोटोग्राफर है माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अपनी फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, अक्सर आप फेसबुक में देखते रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ वॉइस ऑफ बलूचिस्तान ने, जिसकी वजह यह थी कि जो बेस्ट शूट आप करेंगे उसके लिए आपको इनाम दिया जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी तस्वीर कितनी सफाई से ले रहे हैं, ये मैटर करता है तस्वीर में आप क्या बयान कर रहे हैं।